दोस्तों आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्पोक कॉम्बैट पे। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही अपडेटेड न्यूज के साथ आ चुका हूं किंग्स कप 2019 से रिलेटेड। अगर आपको नहीं पता होगा तो यहां पे 5 जून से किंग्स कप 2019 खेलने जाने वाला है दोस्तों थाईलैंड में, जिसमें इंडिया, क्यूरासाओ, थाईलैंड और वियतनाम की टीमें पार्टिसिपेट करी है दोस्तों। तो पहले यहाँ पे 37 मैन स्क्वाड चुनी गई थी। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा वो 23 मैन स्क्वाड है जो कि फाइनल कर दिया गया है किंग्स कप 2019 के लिए, और कौन कौन से चैनल पे आप यहाँ पे इस किंग्स कप के लाइव टेलीकास्ट को देख सकते हैं, और अगर टीवी नहीं आपके घर पे तो और आप कहाँ देख सकते हैं इस मैच को। तो चलिए बिना ज्यादा समय गवाए हुए टीम्स के बारे में बात करते हैं। पहले दोस्तों गोलकीपर्स पहले 5 चुने गए थे, जिसमें से जो 37 मैन स्क्वाड था उसमें 5 गोलकीपर्स चुने गए थे, जिसमें से 2 को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब कि बाहर कर दिया गया, और 3 मेन गोलकीपर्स को यहाँ पे रिटेन किया गया है, जिसमें गुरप्रीत सिंह संधु है, अमरिंदर सिंह है और कमलजीत सिंह है। और दोस्तों मैं कहूंगा कि गुरप्रीत सिंह संधु जो होंगे वो स्टार्टिंग 11 में होंगे जो क्यूरासाओ से इंडिया का मैच होगा दोस्तों, उसमें मेरे तरफ से यही प्रिडिक्शन है और मूलतः रूप से यही होंगे दोस्तों, और कोई दूसरे गोलकीपर का चांस नहीं है पहले मैच में। या फिर डिफेंडर्स की बात करें दोस्तों तो प्रीतम, कोटाल, राहुल, भेके, संदेश, झिंगन, आदिल खान और सुभाशीष बोस। ज्यादा यहाँ पे एक्सक्लूजन नहीं किए गए हैं डिफेंडर्स में, क्योंकि ज्यादा डिफेंडर्स सेलेक्ट भी नहीं किए थे गए थे जो 37 मैन प्रोबेबल स्क्वाड था दोस्तों। तो 23 मैन जो फाइनल स्क्वाड है उसमें ज्यादा एक्सक्लूजन नहीं हुए हैं। और मिडफील्डर्स में दोस्तों बात करें तो बहुत सारे मिडफील्डर्स को सेलेक्ट किया गया था 37 मैन प्रोबेबल स्क्वाड में, लेकिन 23 मैन फाइनल स्क्वाड में यहाँ पे कुछ को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन तब भी मिडफील्डर्स की तादाद अच्छी खासी है टीम में। स्टार्ट करते हैं, उदांता सिंह, जैकीचंद सिंह, ब्रांडन फर्नांडिस, अनिरुद्ध, थापा, रैनियर फर्नांडिस, प्रणय, हल्दर, विनीत राय, सहल, अब्दुल समद, अमरजीत सिंह, लालिनजुआला, चांगटे और माइकल सुसोईराज। तो यहाँ से कोई कोई एक्सक्लूजन हुए हैं। और फिर हम बात करते हैं फॉरवर्ड्स की। फॉरवर्ड में दोस्तों बहुत ही एक चौंकाने वाला एक्सक्लूजन हुआ है जिसका मुझे दोस्तों विश्वास नहीं हुआ, आपको मैं बताऊंगा उसके बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं जो फाइनल लिस्ट में जो प्लेयर्स हैं फॉरवर्ड्स में उनके। पहले बलवंत सिंह, सुनील छेत्री, फारूक चौधरी और मनवीर सिंह। दोस्तों यहाँ पे जो एक्सक्लूजन हुआ है वो है जॉबी जस्टिन का दोस्तों, वो बहुत ही हैरान करने वाला एक्सक्लूजन था, जो आज से 2 दिन पहले ही उनको एक्सक्लूड किया गया, उनको और निशु कुमार को डिफेंडिंग लाइन से यहाँ पे निशु कुमार को हटाया गया और फॉरवर्ड से यहाँ पे जॉबी जस्टिन को हटाया गया। हो सकता है कुछ रीजंस होंगे जिनके कारण उनको हटाया गया, लेकिन बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों जॉबी जस्टिन, और मुझे तो पक्का लग रहा था कि वो जाएंगे यहाँ पे, और प्लेइंग 11 में भी मैंने उनको रखा था, लेकिन कुछ कारण से यहाँ पे निकाल दिया गया है। हो सकता है कि टीम में फिट नहीं बैठ रहे होंगे, और भी कुछ कारण हो सकते हैं दोस्तों। और मिडफील्डर से भी यहाँ पे नारायण दास को एक्सक्लूड किया गया है दोस्तों, तो ये भी एक हैरान करने वाला डिसीजन है, और कोई वैसा हैरान करने वाला डिसीजन नहीं है दोस्तों। और बाकी जो टीम है मेरे हिसाब से सही चुनी गई है, और दो एक्सक्लूजन्स हुए भी हैं, हो सकता है उसके पीछे कोई कारण होगा, तभी इतने प्रोफेशनल कोचेज हैं दोस्तों, हम तो उतना नहीं जानते, लेकिन वो सही है, हो सकता है कुछ कारण के कारण जॉबी जस्टिन और नारायण दास को यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है 23 मैन प्रोबेबल स्क्वाड से। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कहाँ कहाँ आप इस जो ये कप होगा उसका कहाँ कहाँ प्रशासन देख सकते हैं दोस्तों। पहले तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा, लेकिन मेरे पास प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैंने किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दोस्तों नहीं दिया। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका प्रसारण होगा दोस्तों वो स्टार स्पोर्ट्स 3 पे होगा। वो दिक्कत दोस्तों उस दिन क्या है कि 5 जून को इंडिया का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहला मैच है और स्टार स्पोर्ट्स यहाँ पे उसको प्रकाशित कर रहा है, तो इसके कारण हो सकता है कि वो सिर्फ करे स्टार स्पोर्ट्स 1 या स्टार स्पोर्ट्स 2 पे, लेकिन स्टार स्पोर्ट्स का जो नेटवर्क है दोस्तों चैनल्स का, उसी पे यहाँ पे किंग्स कप को प्रसारित किया जाएगा इन दोस्तों टीवी पर। और अगर आप मोबाइल पे लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो हॉटस्टार पे दोस्तों पक्का ये दिखाया जाएगा, और जो मैच शुरू होगा दोस्तों वो इंडिया का, वो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, अगर आप नेट पर सर्च करिएगा तो वो लिखा हुआ है 3:30 लोकल टाइम। लोकल टाइम दोस्तों थाईलैंड का है, तो थाईलैंड और इंडिया के टाइम में दोस्तों 1.5 घंटे का फर्क है, इसलिए 2 PM से दोस्तों यहाँ पे मैच शुरू होगा इंडिया और क्यूरासाओ का, और फिर दूसरा मैच जो है वो IST के हिसाब से, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 6:15 बजे होगा, जो कि थाईलैंड और वियतनाम का होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको बातें अच्छी लगी हो और मेरे एनालिटिक्स अच्छे लगे हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा मोटो यही है कि मैं फुटबॉल के लिए बहुत ही बड़ा फैन बेस बनाना चाहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और अगर आपको लगता है कि प्रोबेबल मैन स्क्वाड और 23 मैन स्क्वाड में जो एक्सक्लूजन हुए हैं उसमें
कुछ बदलाव होने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपके कुछ और भी राय है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। बहुत ही जल्दी मैं जो प्लेइंग 11 होगी, जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी किंग्स कप में क्यूरासाओ के खिलाफ, उसका भी दोस्तों मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो तब तक के लिए वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, अलविदा आप लोगों से, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।